इंतज़ार कर रहा हूँ कि आज पैकेज आ जाएगा लेकिन पैकेज कोई भी नहीं पहुँचा है। सुबह का उन्होंने मैसेज किया हुआ है कि आपका पैकेज आज पहुँच जाएगा लेकिन पैकेज ही नहीं आया। मैंने वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, वो इस वजह से क्योंकि मेरे पेपर्स थे। आप लोगों ने अगर पिछला व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा, और आपको मेरी दाढ़ी से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ज़्यादा बिजी था मैं अपने एग्ज़ाम में। और आज भी जो है ना, मैं शायद ही अपनी ट्रिम भी करवा के आऊँगा, दाढ़ी सारी, और बाल ठीक हैं, बाल नहीं कटवाने, ठीक है। और कुछ अपनी डाइट का सामान भी लेके आऊँगा, मतलब प्लांट बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, प्रोटीन का सोर्स हो गया, काले चने या लाल लोबिया समथिंग लाइक दैट, और अंडे वगैरह, ये सब चीज़ें मैं जाके लेकर आऊँगा आज। जो सेकंड चीज़ थी व्लॉग ना बनवाने की, वो ये थी कि घर में आए हुए थे मेहमान, तो फिर अच्छा नहीं लगता यार मेहमानों के सामने आप व्लॉग बनाओ या कुछ भी करो। अब मुझे इस चीज़ में थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है, लेकिन खैर वो लोग चले गए हैं, सो अब मैं अपना बनाऊँगा व्लॉग फ्रीली पूरे घर में घूम के। पहले मैंने अपने दिन का आगाज़ किया था नाश्ते के साथ, जो मैं आपको नहीं दिखा सकता अनफॉर्चुनेटली, मैंने खा लिया वो, ठीक है। मुझे बाद में याद आया कि मैंने आज व्लॉग भी शूट करना है, और मैं जो है वो उसमें आपको दिखाता कि मैंने आज क्या नाश्ता किया। लेकिन जब मैं कल का नाश्ता बनाऊंगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें मैंने सिंपली कुछ नहीं किया था, 3 अंडे लिए थे, उनको फ्राई किया था, साथ में मैंने 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड ली थी, एंड दैट्स ऑल। ये है नाश्ता, और साथ में रखा चाय थी बस। मैंने जाके जो है वो करवा ली थी अपनी ट्रिम सारी, बियर्ड ये देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा मेरी स्किन का मसला ये है। एक तो मेरी स्किन है ऑयली, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप ज़रा सा भी जो है वो बाल ज़रा बढ़ जाए तो वो इतना चुभना शुरू हो जाता है, इरीटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं काम ये करता हूँ कि जैसे भी थोड़ी सी जो है ना वो बाल बढ़ते हैं दाढ़ी के, तो फौरन जाके बियर्ड ट्रिम करवा लो। अच्छा भी लगता है, बंदा साफ़ सुथरा भी लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं जाऊँगा और बियर्ड ट्रिम करवाऊँगा। और दूसरा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, एक पैकेज आना है चीज़ों का, ऑनलाइन शॉपिंग मैंने की थी थोड़ी सी शॉर्ट्स की, वो भी उसका भी पैकेज आना है, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। और आज क्या, हाँ, और आज मैंने 2 चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करनी है, एक मैंने शूज़ ऑर्डर करनी है और मैंने जीन्स ऑर्डर करनी है। 1 पे लगी हुई है सेल, और आई गेस आउटफिटर भी सेल लगी हुई है, तो मैं होपफुली एक ना एक जो है ना वो जीन्स का पेयर मंगवा लूँगा आज। व्लॉग बहुत देर बाद अपलोड हो रहा है, क्या करूँ यार, पेपर्स में बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी था, इस वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जब तक व्लॉग के लिए आपको प्रॉपर टाइम ना मिले, प्रॉपर आप फ्री ना हो, रिलैक्स ना हो, तब व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं करता तब तक। तो जब तक आप फ्री अच्छे तरीके से माइंडली तौर पे फ्री हो जाओगे, तब तक जो है वो आप व्लॉग अच्छा बना सकोगे तब, ठीक है। एक पेपर रह गया, वो ट्यूसडे को, आज फ्राइडे है और वो ट्यूसडे का पेपर है, सो मैं सोचा था कि अब थोड़ा सा गैप आ गया ये, तो अब एक व्लॉग अपलोड कर देना चाहिए। नाश्ते की रूटीन थी ना वो ये थी कि मैंने ब्राउन ब्रेड नहीं ली, क्योंकि ब्राउन ब्रेड खा के ना मेरे साथ जो हुआ ना वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज मैंने 3 स्लाइस लिए थे वाइट मिल्की ब्रेड, जिसे हम कहते हैं वाइट ब्रेड वो, और साथ में 2 फ्राइड एग लिए थे, और एक मैंने चाय का कप लिया था। ब्राउन ब्रेड का सीन ये था कि वो मैं 2 स्लाइस खाता था मतलब ब्रेकफास्ट में, तो उससे ये हो रहा था कि बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गई थी, लाइक बहुत ज़्यादा, थोड़ी भी चीज़ खाओ फ़ौरन थोड़ी देर बाद भूख लगना शुरू हो जाती थी। तो मैंने कहा चलो इसको स्किप करके देखते हैं कि अगर उससे फ़र्क पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दोबारा ही ब्राउन ब्रेड जो है वो स्टार्ट कर दूँगा। और मैं वाइट बटर भी लेकर आया हूँ, जो देसी बना होता है वो वाला, तो होपफुली वो भी काम करेगा, और ज़्यादा फैट जो है वो उसमें नहीं है, उस वाइट बटर में होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन वो सुबह नाश्ते में अच्छा लगता है। चीज़ वो ये, मुझे कल ही रात ही पता चली है कि जो सोया चंक्स होते हैं ना, सोया बीन्स होते हैं, उसका कोई वो आटा वगैरह होता है, उसकी जो वड़ियाँ बनती हैं ना, वड़ियाँ जो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे पकौड़ियाँ होती हैं ऐसी वड़ियाँ भी होती हैं, बढ़िया बनती है, उसमें 100 ग्राम से 52 ग्राम्स ऑफ सोया प्रोटीन होता है सोया चंक्स में। हाँ, ऑनलाइन उसी की रेसिपी देख रहा था कि कहीं से मुझे वो रेसिपी मिल जाए, और क्योंकि वो तो एक जिसे कहते हैं ना 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर के हैं, लाइक 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स, मतलब आधे पाव में एक छोटा सा बोल आधे पाव का जो होता है वो बन जाता है, उसमें 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। लाइक अगर आपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेनी है तो वो बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन लेने का। जाऊँगा भाई के साथ बाहर कुछ लेने के लिए, और सीन कुछ ऐसा कि कल मैंने जिम में हिट किए थे अपनी लेग्स का वर्कआउट किया था, और वो इस कदर अब दुख रही है ना कि सीढ़ियाँ ना चढ़ा जा रहा है ना उतरा जा रहा है, पता ही होगा आप लोगों को जो जो लेग्स को लेग्स लगाते होंगे जिम के अंदर क्या हालात होते हैं। तो